अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए चाइनीज़ राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। चाइनीज़ राइस बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ लिए हैं कि 1 किलो चावल, जिन्हें मैंने 3 घंटे पहले धो के रख दिए थे। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो शिमला मिर्च, जिसे मैंने काट लिया है। 1/2 किलो मैंने लिए हैं गाजर, इन्हें मैंने काट लिया है। 1/2 किलो मैंने लिए हैं इसके अंदर चिकन, इन्हें भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिए हैं। 1/2 किलो मैंने लिया है इसके लिए बंद गोभी, उसे मैंने काट लिया है। अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 2 चम्मच मैंने लिया है काली मिर्च, 2 चम्मच मैंने लिया है इसके लिए नमक, 3 बड़े चम्मच लिए हैं सिरका, 3 बड़े चम्मच लिए हैं सोया सॉस और 3 बड़े चम्मच लिए मैंने रेड चिली सॉस। चले व्यूवर्स, मैंने इसमें एक पतीली ले लिया है। हम इसका बाकी का स्टेप शुरू करते हैं। इसमें ऑयल डालना है, मैंने 3 खाने के बड़े चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर लिया है और 1 पतीली में मैंने भर के पानी रख दिया है चावल को बॉयल करने के लिए। जब तक पानी चावल का बॉयल होगा इतने में हमारी बाकी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। सबसे पहले मैं ऑयल में डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। इसे 1 मिनट के जरा सा भूनना है। अब ये भुना चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपना गोल्ड। मैं इसमें गोल्ड डाल दिया है और गोल्ड को हम थोड़ी देर के लिए भून रहे हैं। तकरीबन ये मेरा गोश्त गल चुका है, क्योंकि गोश्त के बहुत छोटे टुकड़े किए हुए थे राइस के हिसाब से। ये देखो, अभी हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। गाजर मैं इसमें डाल रही हूँ। शिमला मिर्च हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, और नमक 2 चम्मच। कितना माशाल्लाह कलरफुल है। और 2 चम्मच मैंने जो काली मिर्च रखी थी पीसी हुई वो ऐड करते हैं।
काली मिर्च और नमक ऑप्शनल है, आप कम ज़्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप काली मिर्च ज़्यादा ऐड कर लीजिए और नमक भी अगर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने चक्कर इसको ढक के 5 मिनट पकाती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। चले व्यूवर्स, हमें 6-7 मिनट हो गए इसे पकाते हुए, अब देखते हैं हम कैसा है। देखिए तकरीबन निकल चुका है। अब हम इसके अंदर अब बंद गोभी ऐड करते हैं। बंद गोभी बहुत जल्दी बन जाती है इसलिए हमने उनके साथ इसको ऐड नहीं किया था, और सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। चले जब तक ये तैयार होता है, इसे फिर मैं 5 मिनट के लिए रखती हूँ, फिर उसके बाद हम मिलते हैं। व्यूअर्स देखिए हमारा पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अपना चावल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं नमक पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। जब तक मेरा वो सालन तैयार होगा इसका, इतने में ये चावल भी बॉयल हो जाएगा। जब तक चावल बॉयल में करके फिर आपसे हम मिलते हैं। देखिए व्यूअर्स, हमें टाइम हो गया पूरा 5 मिनट, अब मैं इसे खोलती हूँ। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया हमारा। इससे ज़्यादा हमें सब्जियों को नहीं गलाना है। चलिए अब जब तक मेरा चावल इसे तैयार हो रहा है, बॉयल होता है, चावल के बॉयल होने के बाद हम इसको आपसे मिलाते हैं। चावल बॉयल होने के बाद फिर हम इसको मिलाएंगे आपस में। देखिए व्यूवर्स, ये मैंने चावल पानी में चावल डाल दिए थे और नमक तो पहले ही ऐड कर दिया था। अब देखिए ये तकरीबन मेरे चावल बिल्कुल तैयार हैं, एक कन्नी ही रहता है इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके चावल। अब मैं इस चावल में से सारा पानी निकाल देती हूँ और पानी निकालने के बाद हम इसकी तह लगाते हैं। हमने सारा चावल को पानी में से निकाल लिया है, अब मैं इसकी तह बनाती हूँ। ये बाकी इस बचे हुए चावल डालते हैं इसके ऊपर। अभी इसकी तैपिट लगाते हैं इसके ऊपर। सारा चावल अच्छी तरीके से तमाम चावल को इसने
दम पे रखते हैं, और दम पे रखने से ही पहले ये तकरीबन तैयार तो हो चुका है। इसे दम लगाना है। बहुत ही अच्छी बेहतरीन खुशबू इसमें से चाइनीज राइस की आनी शुरू हो गई है। चले अब मैं इसको दम बताती हूँ, फिर दम लगाने के बाद हम मिलते हैं। चले व्यूवर्स, ये 10 मिनट दम पे रख दिया है हमने, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। खुशबू आ रही है इसमें से, चावल बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो गए। देखिए देखिए आप इसकी शक्ल, चावल देखिए बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो गए। चलिए अब मैं इसको अपने डिश में निकालती हूँ। चलिए व्यूवर, देखिए ये चाइनीज़ राइस बिल्कुल रेडी हो चुका है। मज़ेदार, बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट डिश होती है बच्चों की। सारी इसके अंदर फ्रेश सब्जियाँ डली हुई हैं, चिकन मौजूद है, और इतनी इजी भी है। सब्जियाँ फ़ौरन ही गल जाती हैं और तैयार हो जाता है। तो आप सब अपने घर में बनाएं ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।